सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदीकला में घटित घटना को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा सरगुजा एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा, पिछले कुछ दिनों से एक समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्राम सचिव के घर बलात् घुसकर बलवा किए जाने तथा घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार सहित नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की जाने की घटना पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। कुंदीकला की जो घटना थी 1 जनवरी की, वो घटना अभी तक देख रहे हैं कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जनता डर में है और भय में है, जो पीड़ित परिवार भी है ये भय में है। तो आज एसपी कार्यालय एसपी सर से आके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, यहाँ अंबिकापुर की पूरी महिला टीम आई हुई है कि शीघ्र उन आरोपी का, जो भी लड़की का बयान हो चुका है, और उसका चालान पेश करिए और उसको सख्त यानी सजा दी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ महिला मोर्चा ज्ञापन देने आई हुई थी। व्यवहार कैसा लगा आपको, मिलने आई थी और कार्रवाई को लेकर बात की, तो कैसा व्यवहार लगा आपको? नहीं, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सके हम उनको पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आखिरकार इतना दिन हो गया, अभी तक अपराध भी दर्ज किए हैं? हाँ, इसलिए अपराध अभी धारा पास को एक्ट लग चुका है, अभी चालान पेश नहीं किया गया है। अभी एसपी सर से बात हुई है और वो बोल रहे हैं कि बयान और भी अभी ले रहे हैं, जैसे बयान पूरे होगा हम चालान पेश करके आगे कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होने में बहुत ज़्यादा समय विलम्ब हो रहा है? निश्चित तौर पर है कि कार्रवाई होने में विलम्ब हुआ है और अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी के संरक्षक में, किसी न किसी के दबाव में, सरकार की दबाव में, मुझे लग रहा है कि सरकार के दबाव में आने के से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता पक्ष इतना मजबूर हो रही है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गाँव के लोग में रोष है, जनता में रोष है, हर तरह रोष ही रोष है, पर पता नहीं क्या ऐसे दबाव है कि अभी तक पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर आप लोग के पक्ष में कोई कार्रवाई नजर नहीं आती तो आप लोग का आगे की रणनीति क्या होगी? आने वाले में हम पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उस पीड़ित परिवार के साथ में है और उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे गांव के उग्र आंदोलन करने के लिए ललाहित है, अभी उत्साहित है। ये ग्राम कुंदीकला विकासखंड लुंड्रा की बात है, ये 1 जनवरी को घटना हुई थी। पूरा ग्रुप लेके एक घर में एक बच्ची को मारे और उसके साथ छेड़छाड़ किए और उसको उठा के गाड़ी में बैठा रहे थे और उसको लेके FIR दर्ज करने गए तो उस परिवार को दबाकर उनका सही धारा नहीं लगा और जो धारा लगा उसे अपराधी को छोड़ दिया गया और 10 तारीख को 164 धारा के आधार पे उसका बयान हुआ, लेकिन आज तक उसका डेयरी पेश किए हैं ना, उन पे कार्रवाई करके गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसी को मांग लेके हम आज एसपी साहब को, पूरा सरगुजा की महिला मोर्चा और प्रदेश की महामंत्री चंपादी जी पावले जी के साथ विज्ञापन देने आए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ें और सख्त कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई अगर 15 दिन 20 दिन में नहीं करते हैं, सरगुजा महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी और धरना में बैठेगी।